of the numbers and how they've panned out so far. Well, these are the numbers as far as the state of Gujarat is concerned. It's a clean sweep for the BJP. They have created a history of sorts, 156, and this is a party that has been in power for more than 27 years. I think in independent India's electoral history, you don't have an example of this nature. 156. Let's talk about the story of Himachal Pradesh. That's where the revive, the custom has been kept. Whichever is the incumbent government is usually voted out of power. Looks like that the Congress party has an advantage. 39-26, that's the numbers we're looking at. Mallikarjun Kharge, the new Congress president who led the campaign. Of course, the local leaders, the regional satraps were very, very important. But yes, Himachal is a close contest. Still, we have the last ballot count. It will be an interesting election to watch out for. The BJP, of course, a close second on 26. AAP is not able to make any kind of gains in Himachal. Yes, there are certain independents, others three. And that's a very, very crucial number to watch out for. So that's the story of those two states. And talking about how this is going to be, how it has turned out in the urban areas, the Saurashtra region, all of those areas, Shivani, will be interesting to watch out for. Yeah, we will go to Rhythmine too for all of that. Because, you know, the urban areas is where the Aam Aadmi Party registered the contest for the BJP, especially revolving around Surat. And Darshna Jardosh, who's the MP from Surat, MOS Railways, continues to join with us. Darshna ji, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए. थोड़ा इंटरप्शन हो गया था पहले. आप सूरत के बारे में बात कर रहे थे. यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी कि बीजेपी को दे, उस तरह के गेन्स उनको नहीं मिले. तो आपको क्या लगता है कि जो फेथ गुजरात की जनता ने फिर से दिखाया, अभी 156 हो गया है स्कोर बीजेपी का, तो ऐसी विक्ट्री तो क्या आपने सोचा था? हम लोगों की प्लानिंग ही ऐसी थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों को भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा ये कायम रहा. और सबसे ज्यादा बात है जो प्रधानमंत्री जी ने जब खुद आह्वान कर लिया था कि भूपेंद्र भाई का रिकॉर्ड हम लोगों को तोड़ना है, तो इसके पीछे हम लोग सब पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं. कभी आप पार्टी को हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वो हमारे साथ कॉम्पिटिशन में है. क्योंकि जब उसका प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहा था, वो सीट की जो आप सूरत की बात कर रहे हैं, वहां मुझे 2019 में 1.25 लाख की लीड मिली थी. और वो जगह पे वो राजनीति करने आ जाएंगे वो, और जो डेवलप शहर है, जो स्मार्ट शहर है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और वहां पे डेवलपमेंट की लोगों को अनुभूति होती है, तो वहां से तो आप पार्टी का झूठ का पटारा टूट ही गया. और वहां वो जो तो कहेंगे आम आदमी पार्टी तो कहेंगे कि गुजरात की टू पार्टी पॉलिटिक्स में अगर वो 5 सीट भी जीत जाते हैं, 10% तक का उनका वोट शेयर हो जाता है, तो वो तो बड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को. वो तो यही कहेंगे. नहीं, बीजेपी को टक्कर नहीं दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस का जो वीकनेस है, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो सूरत ने शुरुआत करी थी. कॉरपोरेशन में सूरत में एक भी बंदा नहीं है, तो वहां उनको रिप्लेस हुआ था, वहीं से ये शुरुआत हुई है. तो आप पार्टी को जो लग रहा है वो तो प्रूफ हो चुका है हमारे यहाँ. देखिए, जहां पे हमारे यहाँ मेरी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप पार्टी के कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया था, तो वहां सीधा कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हो गई और वो सीट भी हम 15,000 वोटों से जीत गए. इसके बाद में जो कॉरपोरेशन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, वही सीट बीजेपी की, कांग्रेस की सीट वो आप पार्टी को मिली थी, और इसी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी. वो उसका प्रदेश अध्यक्ष यहीं पे आ गया, उसके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का वो भी. आप जहां जहां वो सीट में लीडिंग कर रहे हैं वहां का आप इतिहास, वो जो हम समीक्षा करेंगे तो उसका वो रिजल्ट निकल आ जाएगा कि कांग्रेस के शेयर उनको मिले हैं ना कि बीजेपी के. हमारे तो यही सी आपसे पूछना चाहती थी. जब हम गुजरात के बारे में बात कर रहे थे तो दो चीजें सामने आ रही थी. एक तो कि बीजेपी की सीट्स कितनी वो बढ़ा पाएंगे, 99 से कितना आगे टोटल टैली में वो ऐड कर पाएंगे. दूसरी चीज ये सामने आ रही थी जो काफी लोगों को इंटरेस्ट कर रही थी कि वोट शेयर का क्या होगा. क्या बीजेपी का वोट शेयर कम होगा या जो ऑपोजिशन का वोट शेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा. अब दो चीज सामने आ रही है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो ज्यादा डगमगाया नहीं है, पर जो ऑपोजिशन का वोट शेयर है वो स्प्लिट होता हुआ दिखाया बड़ा है, जब जा रहा है, जब भी बड़ा है. हाँ, डबल इंजन की सरकार के कारण जो लोगों को डेवलपमेंट दिखा, जो विकास दिखा, जो जो योजनाएं बनी. देखिए, 2017 में यहाँ GST के कारण सूरत में बहुत बड़ी राजनीति हुई थी. राहुल गांधी जी वहां खुद जमीन पर 3-4 बार आए थे. उसके बाद भी हमने क्लीन स्वीप दे दिया था, तो कांग्रेस वहां उस समय एग्जिस्ट करती थी. लेकिन इसके बाद देखिए, ये GST का मुद्दा हमारे प्लस में आ गया. यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. मैं टेक्सटाइल मंत्री हूँ, मुझे पता है, वही टेक्सटाइल वाले लोग
पास सबसे ज्यादा सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं, सामने से जुड़े हैं, तो ये मुद्दा तो रहा नहीं, डेवलपमेंट रहा। और लोगों को पता है कभी लोग नाराज होते हैं लेकिन कभी बीजेपी से विमुख नहीं होते हैं, उसको छोड़ नहीं देते हैं, उनको पता है कि बातचीत से समस्या हल हो जाएगी, हम लोग को भरोसा है। और जब प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है, विश्वास है, वो तो कायम है, वो तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो इकोसिस्टम डेवलप होती है, जो डेवलपमेंट आता है, क्योंकि सूरत इज अ स्मार्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड का सामना करने के लिए जो मॉडल की बात आती है, गुजरात मॉडल के को लेकर आगे जाके प्रधानमंत्री ने वो दिल्ली में मॉडल बनाया, तो अब जो स्मार्ट सिटी का मॉडल बन रहा है वो सूरत से बन रहा है, तो सूरत में कहीं पे भी कुछ चूक नहीं होगी। और कॉर्पोरेशन में भी आप देखेंगे उनको जो आप पार्टी को सफलता मिली थी उसके बाद में जो महिला, एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, अमित शाह गृह मंत्री, द होम मिनिस्टर हैज आल्सो ट्वीटेड आउट दैट ऑफ कोर्स इज अ मैसेज ऑफ द विक्ट्री दैट हैज बीन रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और एक संदेश आ रहा है गृहमंत्री से भी। दर्शना जी, आपने बहुत सारी बातें बोली, एक बहुत अहम बात और दिलचस्प बात आपने बोली कि हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन संवाद बना रहता है बीजेपी का, संगठन की जो शक्ति है, जो ताकत है, 2017 से 2022 के नतीजों में दिख गई है। बीजेपी ने जिस तरह से अपना वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ाया है, जिस तरह की सीटें आपने बनाई है, इतिहास कहीं ना कहीं इसी तरीके के संगठनों से बनता है। क्या कहानी है और 2024 के लिए बीजेपी किस तरह की पृष्ठभूमि इस समय बना रही है? देखिए, हम सिर्फ चुनाव आते हैं तभी काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म होता है कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन के चुनाव में जो गलती होती है वो सुधार कर हम लोग एमएलए जीते हैं। आज मेरे सातों एमएलए जीत गए और सातों एमएलए के साथ में उसी की ताकत पे लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसमें कितनी ताकत बढ़ गई, 150 लोग जमीन पर रहेंगे जो अपने अपने सांसद को जिताने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए वो जो निकलेंगे, तो ये और दोगुना हो जाएगा। जी जी, आपका वोट परसेंटेज एक्चुअली बढ़ गया है, 53-54% आ गया है, भाजपा बहुत खुश होगी। दर्शना जी, शायद आप मेंशन करने वाली थी महिला पावर के बारे में, आप बीजेपी की महिला मोर्चा को भी बहुत सालों से संभाल रही हैं। मैं मुझे याद है 2017 में मैं आई थी गांधीनगर में, आपका जो नया ऑफिस खुला था बीजेपी का हेडक्वार्टर्स, वहां मैं आपसे मिली थी, और बहुत सारी महिला जो आपके कार्यकर्ता हैं वो दिखती हैं गुजरात में, और महिला की जो आवाज है वो बहुत जोर से सुनाई देती है गुजरात में, तो आपको लगता है ये महिलाओं का जो विश्वास है वो भी बना हुआ है? अगर बीजेपी के हमने महिलाओं के बढ़ा दिया है, मैं वही बोलती हूँ कि 10% वोट बना लिए हम लोगों ने उनके प्रति, और वो चीज मुझे मेरी वराछा सीट पे दिखती थी कि वहां की महिला मुझे बोलती थी कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है। जब योगी जी का रोड शो हुआ और राम मंदिर की बातें आई, तब भी वो लोगों ने ऐसा ही किया कि बहुत अच्छा लगा उन लोगों को कि भाई हाँ चलो, ये सब चीजें जो हमारी अपेक्षा है, धर्म के लिए जो गोपाल ने राजनीति करी, वो जो अपशब्द बोले, प्रधानमंत्री की माता के प्रति अपशब्द बोले, तो ये कोई महिला सहन नहीं करेगी। और जब महिला विश्वास करती है तो पूरे जी जान से करती है, और इसका जो अनुभव मुझे 2009 से है, 2009 में जब कांग्रेस का कैंडिडेट हारा था मेरे सामने, तब भी उसके घर की महिलाओं ने मुझे वोट दिया था। उसके बाद में 2014 में मेरा वोट शेयर बढ़ा, उससे ज्यादा 2019 में हुआ, हाँ उससे ज्यादा कॉर्पोरेशन में कुछ गलतियां हुई, लेकिन हमसे नहीं हुई, वो कांग्रेस के वोट शेयर वो आप में कन्वर्ट हो गए, इसलिए वो राजनीति करने आ गए, मुफ्त की रेवड़ी बांटने आ गए, और मुफ्त की रेवड़ी बांटते बांटते थक गए। जो घर की बात होती है महिलाओं के लिए बहुत अहम होती है कि घर के घर का सपना होता है, 2017 के चुनाव में उन लोगों ने वो कर लिया था, जी जी, घर का सपना दिखाया था, 100 रुपये भी ले लिए थे, लेकिन तब उनको पता चल गया कि अगर कोई देगा घर तो प्रधानमंत्री देंगे, सिर्फ महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री घर देंगे। और जब महिलाओं के नाम पे घर होता है तो ये अनुभूति की बात होती है, अपने घर वाली महिला निकलकर जो योजना का लाभ लेती है वो सीधी वोट में बीजेपी को कन्वर्ट, एक बेनिफिशियरी वोटर है बीजेपी का, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक महिला वोट भी है, और वो हमेशा दिखता है स्टेट इलेक्शंस में। अब ये ट्रेंड हो गया है। दर्शना जरदोश, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। इनफैक्ट लेट्स लुक एट अ लिटिल बिट ऑफ मोर ट्रेंड्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम गुजरात, एंड वन ऑफ द की ट्रेंड्स विल बी रिदिमा, आई थिंक द ट्राइबल वोट, बिकॉज